ग्रीन पटाखे वाली दिवाली, दिवाली से पहले ही बढ़ने लगे पटाखों के दाम। ग्रीन पटाखों का क्या महत्व है, चलिए जानते हैं इस बार की दिवाली में ग्रीन पटाखे ही क्यों प्रेफर किए जा रहे हैं। दरअसल ग्रीन पटाखे 50% तक कम प्रदूषण करते हैं, साथ ही ये आतिशबाजी का पूरा लुत्फ उठाने देते हैं। ये पटाखे दिखने, जलने और आवाज में सामान्य पटाखों की तरह होते हैं। ग्रीन पटाखों की भारतीय शोध संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी अनुसंधान संस्थान ने की है। दुनिया भर में इन्हें प्रदूषण से निपटने के एक बेहतर तरीके की तरह देखा जा रहा है। निरी ने ऐसे पटाखों की खोज की है जो पारंपरिक पटाखों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके जलने से कम प्रदूषण होता है। दिवाली से पहले भारत सरकार ने जारी किए ग्रीन पटाखे। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने ग्रीन पटाखे जारी किए। इनमें अनार, पेंसिल, चक्री, फुलझड़ी और सुतली बम शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सामान्य पटाखों के मुकाबले ग्रीन पटाखों से प्रदूषण 50% तक कम होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, इस बार दिवाली पर देश भर में प्रदूषण कम करने वाले ग्रीन पटाखे बाजार में मिलेंगे। 20% तक महंगे हो गए हैं पटाखे। कोरोना काल के कारण वैसे ही बाजारों से रौनक गायब है, साथ ही महंगाई भी लोगों की कमर तोड़ रही है। ज्यादातर पटाखा फैक्ट्रियां बंद होने के कारण नया माल आने की उम्मीद कम है और प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है, लेकिन डिमांड उससे ज्यादा है, जिसकी वजह से पटाखों की कीमत 20% तक बढ़ती है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।